आप सभी को ईद मुबारक। और सुबह सुबह पहुंच गए ईद की नमाज अदा करने के लिए, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा ब्लॉग आज ईद का बनेगा और आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए माशाल्लाह, ये जगदलपुर का इलाका ये रहा, जो कि किसी से सब कोई अंदर जाएंगे माशाल्लाह, देख सकते हैं कि अंदर से लोग आते हुए, और तकरीर भी लगभग स्टार्ट हो चुका है। आइए अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि हम जिसका जैसा नाम पकड़ेंगे तो उसी का पैसा उठाएंगे, और दिमाग में बैठा है या तो किसका पैसा उठाना है, कभी इसका का उठा लेता है साथ के बाद हमें ईद-उल-फितर के लिए बना दिया है। अल्लाह ताला हमारे आने को बेहद बेहद फरमाए, जो लोग पैसा उठा रहे हैं उनको पैसा उठाने दें, 15 मिनट में और इलाका के भगवान को और मदरसे को भी सुनिया।
समस्या में है, मुसीबत में है, आपसे नहीं मान पा रहे हैं। बहुत सारे लोग मियां बीवी के साथ भी उम्रा में जा रहे हैं, अल्लाह उसे उम्रा में कबूल करवाए। ना मेरा तो मुमकिन नहीं है, मगर उसे नसीब बात है कि इंसान जब गलत से एक ही हजर हजर में जा रहा है। और जो हर जगह अपना कुरान पढ़ते हैं बहुत खुशी की बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीख करके नहीं चलते। एक बार पूछेंगे तो हर ईमान हमें पूछा माशाल्लाह। हमारे मुखिया साहब जो कि जंगलपुर ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए आए, आइए हमारे मुखिया साहब से जानते हैं कि ईदगाह जो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और ईद का क्या फजीलत है, हमारे मुखिया साहब से बातें करेंगे अभी और जानेंगे। ये सबसे बड़ी बात, मैं सभी को आज की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे हम लोग मुस्लिम समाज में ये बहुत ही नेक पर्व है।
30 दिन रोजा रखने के बाद ये पर्व आता है। लोग एक एक मिनट एक सेकंड इंतजार करते हैं तभी ये पर्व आता है। आज हम सब हम लोगों ने आज सभी मिल करके आज पूरा दुनिया के लिए अमन चैन को दुआ मांगे। आज कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर खुशी है कि आज देखिए आज हम लोग का पर्व के लिए आज आसमान कितना अच्छा है, आज मौसम कितना बढ़िया है। अरे कितना गर्मी थी, लोग कितना मुश्किल से मजा रखा है धूप में, फिर भी आज अल्लाह का करम से हम लोग सजा ईद का नमाज अदा किए हैं। आइए बहुत खुशी की बात है। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो ये थे हमारे जंगल के मुखिया प्रतिनिधि जो कि कुछ बातें बताई। और आइए अब इमाम साहब से मुसाफा करेंगे, जो देख सकते हैं कि मुसाफा करने में व्यस्त है। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। पुराने जो कुछ मित्र है जो कि ईद का आए हुए और अभी मुसाफा करेंगे, हमारे जो पुराने मित्र है माशाल्लाह सभी के चेहरे पे खुशनुमा चेहरा। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का दिन है, इस मौके पर फरहान भैया जो है ना कुछ बोलना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सभी को ईद मुबारक और सभी खुशी से रहिए, बस इतना ही बोलना है। और इसका वीडियो शेयर कीजिए और अच्छा अच्छा खाइए बस। और अब मौलाना साहब के पास वीडियो ले चलिए। मौलाना साहब जो ईद पढ़ाए माशाल्लाह, ईद के मौके पे हमारे जो जमा मस्जिद के इमाम साहब है बताएंगे कि ईद का क्या फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फित्र सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान के रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला हमें मेहमान आज बनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कौम के लिए ईद है, मेरे लिए यही ईद है। और असल ईद तो कल क़यामत के दिन होगी जब अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत फरमा देंगे और जन्नत अता करेंगे। ईद के दिन ख़ास तौर पर हम लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, अल्लाह ने मना किया, रसूल ने मना किया। आज खाना ही इबादत है। तो ईद असल ये है कि आज अल्लाह के मेहमान हम बने हुए हैं और इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं है कि हम अल्लाह के मेहमान। और आज के दिन यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि जिस तरह आज हम खुशी मना रहे हैं, इस तरह अपनी इबादत से, तकवा से, परहेजगारी से हम अल्लाह को खुश करें ताकि कल जन्नत का भी हम मेहमान बने। माशाल्लाह हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब से कीमती बातें सुने। इसको काट ले। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज अदा करने के बाद पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान, जो कि अपने अजुआ दास से सब हजरात अपने अपने अजुआ बाप को मगफिरत दुआ करते हुए नेक काम है।